नमस्कार, आप देख रहे हैं रीजाना न्यूज़। में शेखर उपल आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। चुनावी बिगुल बजते ही सभी राजनीतिक पार्टियां तैयार हो गई अपनी रणनीति बनाने के लिए। इसी के चलते आज AICC के अध्यक्ष पूजा गायकवाड़ गुना पहुंची, जहां इन्होंने कांग्रेस भवन में आयोजित विधानसभाओं की मीटिंग में शिरकत की। इस मीटिंग का उद्देश्य आगामी समय में विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाना था। इस मौके पर राधोगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह भी मौजूद रहे। जनपद उपाध्यक्ष भी हैं। अच्छा, भाई हमारे महाराज जी, हमारे रामपुर के कल्लू महाराज सबसे अपने मजबूत और अपने आज हमारे AICC के प्रभारी सुश्री वर्षा गायकवाड़ जी आज यहाँ जिला कांग्रेस के ऑफिस में पधारी थी, और पूरा आयोजन हमारे जिला कांग्रेस के बहुत ही कर्मठ अध्यक्ष श्री बटलदा मीना जी के द्वारा आयोजित किया गया था। और इसमें हमने अगले 5 महीने की हमारी क्या रूपरेखा होनी चाहिए कांग्रेस पार्टी की, और वर्षा जी के माध्यम से किस प्रकार से हम सबको चुनाव की तैयारी करनी चाहिए, उसकी हमको आज उसी विषय पर आज चर्चा हुई थी। और मुझे पूरा विश्वास है और हम सब ने संकल्प लिया है कि 5 महीने बाद चारों सीटें गुना जिले की कांग्रेस पार्टी को जिता सकें। चारों विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी वही रहेंगे, बीजेपी में ऐसा चल रहा है कि प्रत्याशी बदलाएंगे। गुना में चारों विधानसभाओं में क्या स्थिति है? देखिए, ये सब चीज़ें पे मैं आपको कुछ कह नहीं सकता हूँ। ये तो जो हमारे नेता हैं, चाहे वो आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी हों, चाहे वो दिग्विजय सिंह जी हों, और कमलनाथ जी और राहुल जी, ये जो टॉप लीडरशिप है यही टिकट तय करेगी। अगर मैं अभी कुछ बात करूँ टिकट के बारे में तो गलत राजनीति हो रही है। इस विषय में भी हमारे सीनियर नेता ने भी कमेंट किया, मैं भी यही कहूँगा कि इसमें षड्यंत्र है, जिसमें भाजपा के लोग बहुत नीच किस्म की राजनीति कर रहे हैं। जो ये परिवार की बात है उस वहीं तक सीमित रहे, लेकिन जो भाजपा के लोग जान करके इस विषय को और बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। कल होने वाले शुभारंभ की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इस बस सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इन तैयारियों की जानकारी देने के लिए नगरपालिका में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा पत्रकारों को बताया गया कि सिटी बस में यात्रियों को किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं होगी। वहीं ड्राइवर तथा कंडक्टर ड्रेस में रहा करेंगे। इसके साथ ही बस में GPS सिस्टम लगा रहेगा, जिससे पता चलता रहेगा बस इस समय कहाँ पर है। 300 करोड़ का काम पूर्ण होने जा रहा है नगर पालिका परिषद के द्वारा। ये लोकप्रिय मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी ने भोला को बहुत बड़ी सौगातें दी हैं। अभी 282 करोड़ और दे रहे हैं मिनी स्मार्ट सिटी में, और बाकी जो नगर पालिका को फंड आया, जो हमने शहर के सारे पुल बना दिए जो 100 साल पुराने थे, नाना खेड़ी का पुल, मोसीपुरे का पुल, गुलाबगंज वाला पुल, छावनी वाला पुल, मुक्तिधाम वाला पुल, कोई पुल बच काला पाटा मंदिर वाला पुल, 7 पुल हमने ऐसे बना दिए जो असंभव थे। कभी काम ये पुल बन ही नहीं सकते थे, वो पुल हमने निर्माण कार्य किया नगर पालिका परिषद पूरे पार्षदों के सहयोग से। बापू मंदिर का निर्माण कार्य, नीचे की धर्मशालाएं, लाइटें, शहर में हाईबस लाइटें, AB रोड पे सुंदर लाइटें, हनुमान चौराहे से नाना खेड़ की 100 फुट की सड़क का टेंडर हो गया, बहुत जल्दी खुल रहा है। अगर कोई कांग्रेस का मित्र पार्षद ये कहता है कि सहयोग नहीं करता, हमने जनता हमारी है, जनता ने हमको वोट दिया है, हम पक्षपात नहीं करते राजनीति में। जहाँ जरूरत पड़ रही वहाँ ट्यूबवेल कराए। टिल्लू ये कहता है तो टिल्लू के बारे में भी 3 ट्यूबवेल कैसे हो गए, क्या पैसा किसी और से लाए थे क्या? सड़कें भी आजकल में ठीक हो रही हैं। सबके सहयोग से गुना जिले को मध्य प्रदेश में पहला जिला गुना, जिसको 52 बसें
गुना जिले को लग्जरी बसें उपलब्ध कराने का जो सौभाग्य मिला है, देश के प्रधानमंत्री जो मुख्यमंत्री जी ने गुना को चुना, मैं उनका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कल शुभारम्भ होने जा रहा है देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा इंदौर से। 6 बसें कल प्रारंभ होंगी और बाकी बसें जुलाई के लास्ट वीक में प्रारंभ हो जाएंगी। हमने टेंडर कॉल कर लिए, जो बस के ऑपरेटर्स हैं उनने टेंडर ले लिए, बसें कंप्लीट हो रही हैं और जल्दी जल्दी बसें आती जाएंगी। गुना से भोपाल, इंदौर, ईसागढ़, टीकमगढ़, चंगमासा से हनुमान टेकरी मंदिर, कुबराज, बीनागंज, अशोकनगर, सब जगह बसें जाएंगी। मैं तो बधाई दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने गुना के विकास में 4 चांद लगाए। पूर्व में भी मुख्यमंत्री जी ने गुना की चिंता की है। गुना एक पिछड़ा हुआ इलाका था, आपने देखा भी, मध्य प्रदेश के 8 जिलों में गुना भी पिछड़े में आया, लेकिन नगरपालिका के माध्यम से हमने 350-400 करोड़ का काम गुना नगरपालिका ने किया है। इतना पैसा कभी नहीं आया जितना पैसा प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको दिया है। स्वागत योग्य कदम मुख्यमंत्री जी का है। शहर में जितने पुल पुलिये थे पुराने, हमने युद्ध स्तर पे सारे पुल पुलियों को नया बना रहे हैं। सड़कें जो बना नहीं रहे, कंप्लीट होने जा रहे हैं। शहर में लाइटों से सजा दिया है। पार्क हमने 28 से 30 कंप्लीट कर दिए हैं। 40 पार्क हम कंप्लीट कर रहे हैं। एबी रोड पे जो गौ माता, जो हमारे घोषणा पत्र में भी था, 1000 गाय के लिए बांसखेड़ी में 50 से 75 लाख की गौशाला बन रही है, जो हम समाज के लोगों को देंगे। आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूंगा समाज सेवी संगठनों से भी कि हम जो पार्क बना रहे हैं, समाज गोद ले, उसकी सुरक्षा करे और वृक्षारोपण की सुरक्षा करे, क्योंकि हम सजाने का काम तो हमारा है, हम कंप्लीट करके दे रहे हैं। अभी हाल ही में हमने एक पार्क क्रैफ्ट स्कूल को दिया है, जैन समाज को दिया है, पंजाबी महिला मोर्चे को दिया है, JCI को दिया है, और भी जो 35-30 पार्क कंप्लीट हो रहे हैं, वो भी समाज आगे आए और समाज पार्कों को सौंदर्यीकरण करे। अभी हमने महापुरुषों की तस्वीरें भी लगाने जा रहे हैं, महाराणा प्रताप जी की हार्ट रोड पर और भगत सिंह जी की प्रेमी कॉलोनी में, अब्दुल कलाम साहब की विद्यार्थी नगर में, अम्बेडकर जी की अम्बेडकर चौक पर। हम शहर को हर प्रकार से सुंदर कर रहे हैं। हमने सड़कें सुंदर बना दी हैं, सड़कें चमचमा रही हैं, पानी के संकट नहीं आने दिया। इस भीषण गर्मी में हमने 200 टैंकर फ्री चलाए, पानी हमारा हर माता बहनों के 24 घंटे मेरा मोबाइल चालू है, माता बहनों का फ़ोन आया, तत्काल टैंकर पहुंचा, 1.5 घंटे हमने घर पे पानी दिया, डायरेक्ट सप्लाई थी टंकी के माध्यम से। 72 करोड़ की जल आवर्धन योजना, 130 करोड़ की अमृत योजना, 100 करोड़ की सीवर लाइन की योजना, 140 करोड़ की प्रधानमंत्री योजना, सारी योजनाएं हमारी 100% कंप्लीट होने जा रही हैं और हम जो नीचे तक काम कर रहे हैं, शहर को सुंदर बनाने का जो सपना प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने देखा था वो पूर्ण कर रहे हैं। एक हमें खुशी और मिली है कि गुना में हमारे दोनों अधिकारी युवा हैं, कलट साहब युवा हैं, SP साहब युवा हैं, उनके मार्गदर्शन में अब नगरपालिका दौड़ रही है, मॉनिटरिंग कर रहे हैं, काम को गति दे रहे हैं। आपने देखा 3 बार जज्जी बची गए हमारे कलट साहब, SP साहब, आपने जज्जी में माफियाओं का कब्जा था, सारा अतिक्रमण हट गया और सुंदर जज्जी बन रही है, सुंदर बस स्टैंड बन रहा है। सारा श्रेय में कलेक्टर गुना और SP को दूंगा, क्योंकि हमारे वो एक अंग है, प्रशासनिक अंग है, उनको हमें सहयोग करना चाहिए, वो कर रहे हैं। पूर्व में जितना सहयोग हमको पूर्व में नहीं मिला, मुझे कहने में कोई अर्ज नहीं है, लेकिन जो अब सहयोग मिल रहा है प्रशासन का, पिछले समय अगर इतना सहयोग मिला होता तो नगरपालिका और गति से दौड़ती। मुझे लगता है कि युवा अधिकारी आने सर गति मिली है, विकास में गति मिली है, शहर को सुंदर बनाने में। हमारे क्लर्क साहब सफाई पे ध्यान दे रहे हैं, मैं जितना देखता हूँ, जितना हमारा अमला देखता है, इतने काम क्लर्क साहब और SP साहब भी देख रहे हैं। स्वास्थ्य संचालनालय भोपाल की टीम आज पहुंची गुना, जहां उन्होंने शासकीय चिकित्सालय का निरीक्षण किया। इस दल के सदस्यों ने प्रसूता वार्ड पहुंचकर प्रसूताओं से जानकारी ली कि उन्हें सारी सुविधाएं मिल तो रही हैं ना, साथ ही उन्होंने व्यवस्थाएं भी देखी। इसके साथ ही जिला चिकित्सालय में जाकर वहां की व्यवस्थाएं देखी, साथ ही डॉक्टरों को दिशा निर्देश भी दिए। आपको बता दें कि उक्त दल गुना के साथ साथ आरोन, राधोगढ़, बमोरी उप स्वास्थ्य केंद्रों की जाँच भी करेगा। नहीं, वैसे नहीं हुआ तो हम पहले इसको ये देखेंगे पीछे क्या है, हो सकता है ये अभी आप बाहर रुक जाए। फॉलो अप के लिए
एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट में लिया गया है, इसलिए हम लोग राज्य से पूरी टीम आई है। मैं संयुक्त संचालक डॉक्टर श्रीमती वंदना खरे राज्य की तरफ से आए हूँ एनएचएम से निरीक्षण कर रहे हैं पुणे चिकित्सालय का। ऐसी और भी टीमें आई हैं हमारी जो फील्ड में है, तो आज वो भी एच एन डी विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन डे जो रहता है पोषण दिवस वो देख रहे हैं टीकाकरण देख रहे हैं। आपने निरीक्षण किया है तो क्या पाया आपने यहाँ? देखिए निरीक्षण करने से हम निकलते हैं तो उसमें कमियां भी निकलती है और अच्छा भी निकलता है। यहाँ पे कुछ अच्छी चीज़ें जो हमने देखी कि साफ सफाई है काफ़ी व्यवस्थित है और जो यहाँ पे रख रखाव कर रखा है वो भी ठीक स्तर पे है, परंतु कुछ कमियां भी हमें मिली हैं। वो ये है कि जो हम जब लेबर रूम में गए तो लेबर रूम में ये देखने में आया कि वहाँ पर तीन एरिया रहते हैं हम लोगों के, जिसमें क्या होता है मरीज जब आता है तो वो वहीं रुक जाता है। रुकने के बाद उसका चेकअप होता है, अगर गर्भवती माता है, चेकअप होने के बाद उसकी ड्रेस चेंज करके फिर उसको लेबर रूम में ले जाते हैं। तो ये इसको हम लोग ने वहीं के हाथ के साथ उनको सुधरवाया, इसको हैंड्स ऑन ट्रेनिंग बोलते हैं। हमने उनको समझाया कि आप डायरेक्ट लेबर रूम में न लेना है जिससे कि इन्फेक्शन ट्रांसमिट ना हो, पहले मरीज को बाहर एग्जामिन करें फिर उसको लेबर रूम में ले डिलीवर्ट करें। एक तो ये कमी मिली है, दूसरी यहाँ पे जो व्यवस्था है केशियस वगैरह सब कुछ है, परंतु डॉक्टर लोग कुछ समय का भी अभाव रहता है उनके पास, चिकित्सकों की भी कमी है यहाँ पे, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट की भी कमी है, तो वो लोग भर नहीं पाते हैं पूर्ण रूप से। तो उन्हें ये भी बताया हमने कि हमारा भी बचाव होता है इसमें अगर केशियस भरते हैं सही तरीके से, और मरीज के बारे में भी जानकारी पूरी अपडेट रहती है, जब उसको कुछ दिक्कत आती है वो पुनः अस्पताल में आता है तो केशियस हमारे पास रहती है उसकी। तो ये एक डॉक्यूमेंटेशन इम्पॉर्टेंट है जिसको हमने भरना भी सिखाया हमने। तीसरा है कि फैमिली प्लानिंग के बारे में जानकारी ली हमने। फैमिली प्लानिंग के बारे में मैं आप लोगों को सुबह थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी कि यहाँ पे एचआईवी एड्स के जो काउंसलर परामर्श दे रहे थे वो थे बेचारे काम कर रहे थे, परंतु उनको कुछ चीज़ का थोड़ा ज्ञान नहीं था। वो बताया हमने कि आप पुरुष हैं तो पुरुष नजबंदी के लिए पुरुष को प्रेरित करिए। तो जब उन्होंने ये करा मेरे सामने ही तो एक पुरुष तुरंत उसने हाँ बोला कि मैं नसबंदी करवा लूँगा, चूँकि मेरी वाइफ के तीन सीजर हुए हैं तो मैं अब ऑपरेशन कराऊँगा नसबंदी का। तो देखिए कि समाज के लिए प्रेरणा देने वाला है इसमें क्या है, अगर पुरुष पुरुष को बताएगा वो सहमति दे रहा है पुरुष के कहने, ये बहुत बड़ा काम हमारा हो गया। अगर एक पुरुष भी आज मोटिवेट हुआ नसबंदी कराने के लिए तो आज मेरा आना यहाँ पर सफल। सोनोग्राफी को जब हमने देखा तो सोनोग्राफी कर रहे हैं, पर चूँकि हम लोग देखिए इस चीज़ का ज़्यादा इसलिए नहीं इसको हम डीप में जा रहे हैं क्योंकि चिकित्सकों का अभाव है, एक ही गायनेकोलॉजिस्ट है जो कर सकता है सोनोग्राफी, उसमें पात्रता रहती है। आजकल नियम बहुत कड़े हो चुके हैं सोनोग्राफी के, गायनेकोलॉजिस्ट ही कर सकती है और रेडियोलॉजिस्ट। अब चूँकि एक ही गायनेकोलॉजिस्ट है, सीजर आता होगा तो वो सीजर भी करते हैं मैडम, मरीजों को भी देखते हैं, और उन्होंने मेरे को रजिस्टर में बताया कि वो दिन में 4-5 सोनोग्राफी भी करते हैं, जिनको ज़रूरत होती है वो उनको कर लेते हैं। तो ये एक ठीक है, हम इसके लिए सोचेंगे कि भाई हमारे पास और उपलब्ध हो गायनेकोलॉजिस्ट या रेडियोलॉजिस्ट, तो इससे जो हमारा वहाँ पे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही रेडियोलॉजी में सोनोग्राफी के लिए एक ही डॉक्टर के पास वो कम हो, तो हम ये चीज़ राज्य पे बता देंगे तो पोस्टिंग हो, अगर किसी को यहाँ पे कोई गायनेकोलॉजिस्ट को भेजें या कोई नए बच्चे जो आ रहे PGM वो आ जाएँ तो काफ़ी। संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ भोपाल से एक टीम डॉक्टर वंदना खरे JD मैडम के नेतृत्व में यहाँ पर आई हुई है, और इनका जो मुख्य उद्देश्य है कि खासतौर से प्रसूति ग्रह और नवजात बच्चों का जो हमारा SNC यूनिट उसकी देखरेख करना और यहाँ की व्यवस्थाओं में सुधार लाना, इसके अलावा ओवरऑल परिवार कल्याण टीकाकरण आदि जो सेवाएँ हैं उनको नीति आयोग के मानकों के हिसाब से जो है उनमें वृद्धि देने के लिए सलाह देना। तो पहले ये जिला चिकित्सालय का निरीक्षण कर रही हैं, इन्हीं के साथ के एक टीम आरोन गई है और दूसरी टीम बजरंगढ़ गई हुई है, और कुछ टीम ग्राम स्तरीय जो हमारे PHND होते हैं उनका निरीक्षण कर रही हैं, और इसके बाद ही कलेक्टर साहब से ही मिलेंगी और फिर बाद में खंड चिकित्सा अधिकारियों की सबकी बैठक लेकर मार्गदर्शन देंगी कि किस तरह से नीति आयोग के अंतर्गत तय बिंदुओं को हम सब की सब पूरा करें। ट्रैफिक पुलिस द्वारा लगातार चलाई जा रही चालानी कार्रवाई।
इस कड़ी में आज तेलघानी चौराहे से लेकर जज्जी बस स्टैंड तक की गई वाहनों की चालानी कार्रवाई। आपको बता दें कि कार्रवाई विगत एक हफ्ते से लगातार चल रही है, लेकिन अभी तक उन संस्थाओं पर ना ही कोई कार्रवाई की गई और ना ही कोई नोटिस दिया गया जिनके आगे ये वाहन खड़े रहते हैं। ये थमने का नाम नहीं ले रहा भाजपा के कद्दावर मंत्रियों के बेतुके बयान का सिलसिला। आज इसी के चलते मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री मदन मोहन गुप्ता ने भी दिया बेतुका बयान। उन्होंने कहा कि गरीब उद्योग नहीं लगाते, उद्योग लगाने का हक केवल उद्योगपतियों को ही है। आज अपने अल्प प्रवास पर गुना आए व्यापार संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष ने डीजियाना न्यूज से खास बातचीत में यह बात कही। जब उनसे पूछा गया कि गरीब जब बैंक में लोन लेने के लिए जाता है तो उसे सिक्योरिटी मांगी जाती है, जबकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का यह दावा है कि कोई भी व्यक्ति को सिक्योरिटी डिपॉजिट देने की जरूरत नहीं है, सिक्योरिटी उनके मामा यानी शिवराज सिंह चौहान देंगे। जिस पर मंत्री जी ने कहा कि गरीब उद्योग नहीं लगाते। लगातार देखने में आ रहा है कि मंत्रियों एवं विधायकों द्वारा इस तरह के बेतुके बयान का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। समझ से परे है कि क्या हो गया है भाजपा के मंत्रियों को, जो हर बार ना जाने क्यों कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो उन्हीं के लिए मुसीबत खड़ी कर देता है। वर्किंग कैपिटल और निवेश को आप गलत मत मिला दो। उपयोग जैसे गरीब लोगों को जिसको जरूरत है व्यापार की, गरीब है वो, तो ये सारी फॉर्मेलिटी कहां से लेकर आएगा? ये बड़ी विडंबना समस्या है। चीजें हैं आप समझिए, गरीब व्यापार और उद्योग तीनों अलग अलग कड़ी हैं, उन तीनों को आप एक साथ नहीं मिलाए। गरीब व्यक्ति उद्योग नहीं लगा पाता, उद्योगपति लगाता है, ठीक है। अब अगर कोई समर्थ व्यक्ति है, उसके आर्थिक साधन कम है और वो 10 लाख रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक का उद्योग लगाना चाहता है, तो उसको उद्योग की मूलभूत आवश्यकताओं पर शासन की 2 करोड़ रुपए तक की गारंटी पर लोन। एक चीज। दूसरी चीज़ में दूसरी आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो इसको सबको दिखाना, उद्योग उद्योग उद्योग। विडम्बना ये कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स आता है जिसका नाम ही कॉमर्स का मतलब वाणिज्य है, वो भी उद्योग की बात करता है, कॉमर्स की बात कोई नहीं करता। उद्योग हर चीज का फल नहीं है, उद्योग कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में नहीं लग सकते कि उससे प्रदेश और जिलों का कायाकल्प कर दिया जाए, उद्योग कभी भी इतनी बड़ी मात्रा में नहीं लग सकते कि उससे 7.5 करोड़ जनता को रोजगार और एक साथ व्यवसाय दे दिया जाए। उसका एक ही मात्र तरीका है कि व्यापार को प्रोत्साहन देके और उस व्यापार के मॉडल पे लाओ जिसमें हमें 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ रुपए ही ना। सर अभी आपने जो बोला चुनावी वर्ष के आते ही चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी ने अपने सभी मंत्रालयों को प्रत्येक जिले में जाकर बीजेपी के हाथ मजबूत करने के लिए विशेष दिशा निर्देश भी दिए हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश व्यापार संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष मदन मोहन गुप्ता ने कलेक्ट्रेट के सभा भवन में संगठित व्यापार संघ एवं असंगठित व्यापारियों के साथ एक बैठक भी ली। बैठक में सरकार की उपलब्धियां बताते हुए व्यापारियों को उनकी समस्या के निदान के लिए 11 सदस्यीय जिला स्तर पर एक संगठन बनाने की बात भी कही। वहीं व्यापारियों को आ रही GST की तकलीफों को लेकर उन्होंने कहा कि 500 युवाओं को तैयार किया जाएगा जिन्हें विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी जो GST को लेकर
इनकी सभी व्यापारियों की समस्याओं को दूर भी करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि व्यापारियों को फॉर्म 1 और जीएसटी टैक्स भरने में वकीलों के पास जाकर मनमाने पैसे देने की जरूरत नहीं है। अब जो 500 युवाओं जिनको तैयार किया जाएगा वो साइबर कैफे पे बैठकर प्रत्येक फॉर्म का 150 रुपया लेंगे, जिससे वे अपनी आजीविका चलाएंगे। साथ ही व्यापारियों पर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। प्रकाश डालता हूं, मेरे पश्चात मैं चाहता हूं कि आप सबसे में आपकी समस्याएं और आपके सुझाव दोनों लूंगा। और आज की बैठक ये सिर्फ एक बैठक नहीं, औपचारिकता नहीं। 70 सालों में पहली बार व्यापारियों और प्रशासन के बीच ऐसी एक बैठक हो रही है जिसमें आपकी हर समस्या को और आपके दिए गए हर सुझाव को गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में लाया जाएगा और उसके ऐसे मिनट्स बनेंगे। उन मिनट्स को यहाँ के गुना के कलेक्टर आदरणीय दत्ता साहब साइन करेंगे और मैं साइन करूंगा एज ए स्टेट मिनिस्टर, एज ए चेयर। तो आपकी कही हुई हर बात आज एक शासन का रिकॉर्ड बनने का। ऐसा कोई देशभक्त, ऐसा कोई राष्ट्रभक्त इस देश को माननीय नरेंद्र मोदी से पहले मिला जो इतना साहस कर लेता कि सारे आरोप प्रत्यारोप सब विरोधी। आपकी बताई गई समस्याओं, आपके दिए गए सुझावों का आपको लिखित उत्तर अग्रवाल साहब आपसे भी मुखातिब कर। अगर आपकी मांग नियमों के अंतर्गत आती है तो उस पर क्या कार्रवाई की गई, ये उत्तर देंगे। अगर आपकी मांग नियमों के बाहर है तो नियमों के अंतर्गत नहीं आती, ये भी उत्तर जा सकता है। और आपकी मांग जिले से बढ़कर अगर प्रदेश स्तर की है तो प्रदेश को भेजेंगे और प्रदेश भी आपको 45 दिन के अंदर उत्तर देगा। और अगर राष्ट्रीय स्तर की है जो कि आ रही है हर बैठकों में तो हम राष्ट्रीय स्तर पर उसको भेजेंगे और आपको सूचित करेंगे कि आपकी मांग को हमने केंद्र शासन को दी। तो आज की बैठक की अहमियत इतनी भर नहीं है। आज इस बैठक में आप सब भी पधारे हो, अपना पूरा नाम का पता और व्हाट्सएप का नंबर दे के जाइएगा। जुलाई महीने में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के निवास में एक व्यापारियों की महापंचायत का निर्देश दिया गया। आज दूसरा निर्देश दिया गया है कि व्यापारी और व्यापार कल्याण की अशासकीय समिति हर जिले में बनाई जाए, इसमें 11 पदाधिकारी हों और जिले भर में कम से कम 500 व्यापारी जो सब वर्गों का, छोटा बड़ा, हाथ ठेला बेचना, किराने वाला, ठेकेदार, कॉलोनाइजर, सब प्रकार के व्यापारियों को लेके 500 कम से कम सदस्यता हो, 500 से 1000 के बीच 11 पदाधिकारी बने जो कि बोर्ड डिक्लेयर करेगा कौन पदाधिकारी है। और 3 महीने में एक बार कंपलसरली हर जिले का कलेक्टर इस समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठेगा और कलेक्टर के साथ जिले का एसपी पुलिस बैठेगा और साथ ही वो 9 विभाग जो इस बोर्ड के अंतर्गत आते हैं जिसमें व्यापार से जुड़े सभी प्रमुख विभाग हैं, यहाँ तक कि उसमें लीड बैंक का GM भी होगा, सारे अधिकारी होंगे। वो 1 घंटे के लिए व्यापारियों के साथ बैठेंगे। एक ये काम पहले भी होना चाहिए, हो सकते थे जो अब हो रहे हो तो सकते थे चुनाव के अंत पहले नहीं। चुनाव से हर चीज़ को जोड़ना ठीक नहीं है, विकास एक सतत प्रक्रिया है। देखिए सरकार ने जो वातावरण अब बनाया है मध्य प्रदेश में, ये व्यापार के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा वातावरण है। सरकारें तो व्यापार करती नहीं है, सरकारें प्लेटफॉर्म बना के देती हैं कि आप व्यापार कीजिए। अब सरकार का ये प्लेटफॉर्म बना है, इत्तेफाक से वो चुनाव के पहले का समय है। अब हमारे पास 1.5 लाख किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर की सड़कें हैं, राजमार्ग हैं, हमारे पास 2400 घंटे की बिजली है। और जब कांग्रेस इस प्रदेश को छोड़कर भागी थी तो 7 लाख हेक्टर में जो सिंचाई होती थी, आज हम 44 लाख हेक्टर में। व्यापारियों की तरफ से कोई सुझाव?
आदर्श ग्राम भुलाए में श्री राम गौशाला पर मनी वेद माता गायत्री जयंती। गांव भुलाए में श्री राम गौशाला पर मनाई गई मां गायत्री जयंती बाल संस्कार शाला के बालक बालिकाओं के द्वारा मंत्रोच्चारण, साधना, संगीत, हवन एवं दीप यज्ञ करके मनाई गई। धरनावदा से हमारे सहयोगी विवेक शर्मा की रिपोर्ट। एक तरफ तो यातायात पुलिस लगातार चालानी कार्रवाई कर रही है और अपनी खुद की पीठ खुद ही थपथपा रही है कि गुना में यातायात सुचारू है, लेकिन हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देख के आप भी सिहर जाएंगे। बस के ऊपर बैठे लोग सवारी करने को है मजबूर। ऐसा ही नजारा आज देखने को मेरा हनुमान चौराहे पर, जब वहां से एक बस जो अशोकनगर की तरफ जा रही थी उसमें सवारियां ऊपर छत पे बैठे हुए थे। समस्या पर है कि क्या यातायात थाना केवल दोपहिया वाहनों पर ही चालानी कार्रवाई करके अपने काम समाप्त कर लेगा, या फिर यातायात थाना प्रभारी और यातायात पुलिस का ये कर्तव्य है कि शहर में यातायात सुचारू रूप से चले। वहीं देखा जा रहा है कि चालानी कार्रवाई केवल संस्थाओं के बाहर खड़े वाहनों पर की जा रही है, किसी संस्था विशेष पर नहीं। अभी तक संस्थाओं पर क्यों चालानी कार्रवाई नहीं की गई और जो तस्वीर हमारे कैमरे में कैद हुई है उस बस पे अभी तक कोई भी कार्रवाई ना तो आरटीओ ना ही यातायात विभाग ने की है। डीजियाना में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।